हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक कोड के एक्सट्रीम मास गेनर के बारे में, जो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। इसके अंदर काफ़ी सिलेक्टेड फ्लेवर्स आते हैं, चॉकलेट और कैफे मोचा फ्लेवर अवेलेबल है। जेनेटिक कोड जो है मसल साइंस की कंपनी है और ये एक सेकेंड कंपनी है मसल साइंस की। इसका जो ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर ही है। मैंने प्योर वे का रिव्यू कर दिया था आपके लिए और प्योर वे का कंप्लीट रिव्यू मैंने आप लोगों के लिए किया था। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। और इन फ्यूचर जो भी इसके प्रोडक्ट लॉन्च होते रहेंगे, जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, मैं उनका रिव्यू आप लोगों के लिए कर दूंगा। स्टार्टिंग फेज़ के अंदर ही प्रोडक्ट चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी डुप्लीकेसी कम से कम है। इन फ्यूचर इसकी डुप्लीकेसी आती है तो उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही कम गेनर ऐसे बचे हैं इंडियन जिसकी कॉपी नहीं आती, क्योंकि इंडियन गेनर्स की कॉपी होना आम बात है। आज के डेट में बंदे खुद ही स्टोर्स वाले अपने गेनर बनवा के बेच रहे हैं, उनको क्वालिटी का कुछ भी भरोसा नहीं है, लेकिन लोग अपने सस्ता बनाने के चक्कर में कुछ भी बना के बेच रहे हैं। पहले आप देखिए जेनेटिक कोड का, इसमें बैच नंबर कितने किलो का है, क्या इसके प्राइसेस हैं, वो सब कुछ आपको मेंशन किए हुए हैं। बहुत सारे बंदे अपने अपने हिसाब से इसके रेट बना रहे हैं और वो हम मुझे समझ में नहीं आ रहा किस हिसाब से बेचने लग रहे हैं। कोई रेट टू रेट ही बेच रहा है, GST के बिना भी बेच रहा है, वसूल नहीं कर रहा। तो उससे हट के हम अपनी अलग से जमा रहे हैं। तो ये एक्सट्रीम मास गेनर के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमें 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है पर सर्विंग के अंदर, और जो 290 किलो कैलोरी मिल जाती है, 40 इसकी सर्विंग्स हैं और 3 किलोग्राम का ये पैक है। कैफे मोचा इसका फ्लेवर है। काफ़ी अच्छा पैकिंग की गई है जो उसने बॉक्सेस में बनाए हुए थे। ऐसा नहीं लगता कि कोई इंडियन कंपनीज होती हैं बहुत अच्छे से लेबलिंग नहीं कर पाती, बट ये काफ़ी अच्छे से की हुई है इसने। ये इसके जो साइज़ वगैरह होते हैं, 18 महीने तक इसकी पैकिंग चलती है। ये बार कोड को स्कैन करके आपकी साइट पर पहुँचाओगे। FSSAI से अप्रूव्ड है, ये सब इसके एड्रेस वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमें पर स्कूप में मिल जाता है, 75 ग्राम का इसका एक स्कूप है। काफ़ी बड़ा इसका स्कूप आया प्योर के अंदर भी और इसके अंदर भी, ठीक है। तो 12 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट 57 ग्राम मिल जाता है, जो किलो कैलोरी है लगभग आप 300 मान सकते हो, 290 इन्होंने कैलकुलेट की हुई है। जिसके अंदर हमें ट्रांसफैट वगैरह और जो है वो नील मिल जाता है, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स 0.5 ग्राम हमें मिल जाते हैं। सो जो कॉम्बिनेशन है इसका ब्लेंड प्रोटीन्स का, कंसंट्रेट प्रोटीन का और आइसोलेट वे का इन्होंने यूज़ किया हुआ है इसको बनाने के लिए। माल्डेस्ट्रिन इसके अंदर यूज़ की गई है, जो आपको इंडियन प्रोडक्ट्स में याद हो आपको तो क्रूड वे में आया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि माल्डेस्ट्रिन उन्होंने मिला दिया था, लेकिन हर प्रोडक्ट के अंदर माल्डेस्ट्रिन आपको मिली हुई ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अंदर कुछ एंजाइम्स हैं तो ये सब इसने बताया हुआ है। तो उससे बचने के लिए इससे अच्छा है कि किसी कंपनी का यूज़ कर लो। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लगा मुझे, इसी वजह से मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आया। अगर आप इसको बाय करना, मैं पैन इंडिया डिलीवरी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दे दूंगा या स्क्रीन पे भी एक नंबर चल रहा होगा, तो उससे आप जाके बाय कर सकते हैं।